सो हाय एवरीवन, आज मेरे सामने है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 स्टिल्थ ब्लैक मॉडल और आज मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये क्यों है अलग और क्लासिक 350 से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हेडलाइट की। तो मैं आपको हेडलाइट इसकी फ्रंट से दिखा देता हूँ एक बार। आपको आप फ्रंट से देख सकते हो इसकी जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट के ऊपर आप देख सकते हो इसमें पायलट लैम्प देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको सामने दिखा देता हूँ राइट और लेफ्ट में। नीचे आप हेडलाइट पे देखोगे तो हेडलाइट के मिड में आपको आरी की बैजिंग के साथ ये हेडलाइट मिल जाएगी देखने के लिए। और नीचे आप और आओगे तो देख सकते हो लेफ्ट और राइट में बल्ब में इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। सस्पेंशन इसके 41 mm के आते हैं जैसा कि सामने हैं। और ये जो फेंडर आता है इसका, फेंडर मेटल में देखने को मिल जाएगा आपको। और अगर मैं इसके टायर की बात करूँ तो इसमें जो टायर आता है ट्यूबलेस टायर आता है। अदर क्लासिक 350 में आपको स्पॉक व्हील में टायर देखने को मिलेगा, बट इस वाली क्लासिक 350 में आपको ट्यूबलेस टायर के साथ मिलेगा ये बाइक। और टायर आप देख सकते हो इसमें C8 के टायर आते हैं। डिस्क साइज़ जो होता है 300 mm का डिस्क साइज़ होता है। और ये जो बाइक आती है डुअल चैनल ABS के साथ आती है। राइट और लेफ्ट में आपको इसमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप सामने देख सकते हो। राइट से अगर मैं लुक की बात करूं तो इसका टैंक देख सकते हो, इसमें जो बैजिंग आती है आरी की 3D की बैजिंग आती है। साथ में आपको थाई पैड भी देखने को मिल जाता है जिससे टैंक पे स्क्रैचेस ना आए। आप ये देख सकते हो इसमें भी क्लासिक 350 की स्टिकरिंग मिल जाएगी। और ये देख सकते हो इसका ब्रेक ऑयल और ये पीछे का आप साइलेंसर देख सकते हो, ये पूरा मैट में आता है। ये पूरी बाइक बिल्कुल मैट फिनिशिंग में आती है। पीछे का फुटरेस्ट आपको रबड़ में देखने को मिल जाएगा। और ये जो शॉकर है पीछे आपको ट्विन शॉकर देखने को मिल जाएंगे। पीछे रियर की टायर की बात करूँ तो पीछे भी आपको C8 का टायर देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। पीछे भी इसमें डिस्क आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपकी इसको आपको सीट दिखा देता हूँ। सीट आप देख सकते हो इसकी जो सीट आती है स्प्लिट सीट आती है, पिलियन के लिए अलग राइडर के लिए। पीछे आपको ये आपको मेटल का ग्रैब रेल मिल जाएगा। पीछे आपको ये LED में आपको टेल लाइट देखने को मिल जाएगी, इंडिकेटर बल्ब में, यहाँ पे नंबर प्लेट और ऊपर आप देख सकते हो इसके नंबर प्लेट का आपको LED में लाइट मिल जाएगी। साइड में देख सकते हो आपको लेफ़्ट साइड में आपको ये मिल जाएगी साड़ी गार्ड मिल जाएगा, वही रबड़ का आपको फुटरेस्ट मिल जाएगा। और ये आपको आरी की बैजिंग के साथ मेटल का देखने को मिलेगा। और मेन स्टैंड है, सेंसर के साथ आता है। अगर न्यूट्रल में बाइक है तभी स्टार्ट हो सकती है, गियर में होगी तो नहीं होगी। 5 गियर के साथ ये बाइक आती है। 349 cc का सिंगल सिलेंडर इसका इंजन होता है जो कि मैक्स पावर जनरेट करता है 27 bhp और 41 nm टॉर्क के साथ। एयर कूल्ड इसका इंजन आता है। सीट हाइट इस बाइक की 800 mm है। और आप जो ये टैंक देख रहे हो इसमें रेड कलर की आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाएगी। पूरी मैट फिनिशिंग के साथ ये बाइक आती है। और इसका जो टैंक आता है 15 लीटर का आता है। राइट और लेफ्ट में आप देख सकते हो रोटरी स्विच देखने को मिल जाएंगे इस बाइक में। नीचे आपको हज़ार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा इस बाइक का। और मिरर आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे और वही हैंडल बार आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में भी आप स्विचेस देख सकते हो ब्लैक कलर का। आपको इसका ये ब्रेक लीवर देखने को मिल जाएगा और क्लच लीवर। और नीचे आप देख सकते हो इसमें चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा देखने के लिए। लुक देख सकते हो भाई, काफ़ी प्यारी लग रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त लुक है ये इस बाइक का। कर्व वेट इस बाइक का 194 kg होता है। लेंथ आपकी 2140 mm की होती है। हाइट इसकी 1090 mm की होती है। ग्राउंड क्लीयरेंस इस बाइक का 135 mm होता है। व्हील बेस की बात करूँ तो 1360 mm की इसका व्हील बेस होता है। अब बात करते हैं ये क्लासिक 350 के और मॉडल से कैसे अलग है। ये जो आप वेरियंट देख रहे हो ये डार्क सीरीज़ का स्टिल्थ ब्लैक मॉडल है। और इसमें और अदर जो क्लासिक 350 आती है उसमें जो सबसे पहला डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ट्यूबलेस टायर के साथ। कंपनी इसमें ट्यूबलेस टायर और विद अलॉय व्हील इसमें आपको बाइक में देती है। कलर आप देख सकते हो ये मैट ब्लैक कलर सिर्फ इस बाइक में आता है। बाकी हेल्शन सीरीज़ में आप देखोगे तो उसमें आपको ग्लोसी में मिलेगा। और इसका जो रेडी सीरीज़ आता है उसमें भी सारे कलर ग्लोसी में देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक यही जो है वेरिएंट है जो आपको डार्क सीरीज़ में देखने को मिलेगा जो कि पूरा मैट ब्लैक में आप देख सकते हो। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो दिल्ली में इसका एक्स शोरूम प्राइस 2,05,000 के आसपास होने वाला है। ऑन रोड की बात करूँ तो ऑन रोड आपको बेसिक प्राइस 2,46,000 रुपये मिलेगा। अगर आप इसमें एडिशनल ऐड कराते हो, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें एक लेग गार्ड लगा हुआ है और नीचे सम गार्ड लगा हुआ है, तो उन दोनों की कॉस्ट मिला के प्लस 4 साल प्लस 2 साल वारंटी अगर आप इसमें ऐड करा देते हो
तो टोटल आपको जो गाड़ी पड़ने वाली है 257,900 रुपये की आपको दिल्ली में पड़ने वाली है विद कंप्लीट एक्सेसरीज़ के साथ। बैकरेस्ट लगवाओगे उसका अलग से 2700 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। अब हम बात करते हैं इसके डाउन पेमेंट की और ईएमआई की। तो भाई मैं इसमें जो ईएमआई बताने वाला हूँ वो कंप्लीट एक्सेसरीज़ के साथ बताने वाला हूँ कि आप कंप्लीट एक्सेसरीज़ भी इसमें फ़ाइनेंस करा सकते हो। 257,900 रुपये की अगर ये आपको बाइक पड़ती है तो इसमें आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आपका सिविल -1 है या 750 सिविल है तो इसमें कम से कम आपकी डाउन पेमेंट 50,000 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि 257,000 की बाइक है तो उस हिसाब से आपको 50,000 डाउन पेमेंट इसकी देनी पड़ेगी। और ईएमआई की बात करूँ तो इसमें 1.5 साल की जो ईएमआई आने वाली है 13,230 रुपये की आने वाली है, जो कि 18 मंथ में आपको पे करना पड़ेगा इसका ईएमआई पर मंथ 13,230। और 10,317 की आपको इसमें 2 साल की देखने को मिलेगी। 7,424 रुपये की आपको 36 महीने की इसमें आपको ईएमआई देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ इसकी 4 साल की, तो 4 साल में आपको 5,996 रुपये की आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। 5,996 मतलब 48 मंथ में आपको पर मंथ आपको 4,996 रुपये देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया तो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 चेक, 1 फ़ोटो, ये इन सब चीज़ों की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपका सिविल ख़राब है तब भी लोन हो जाता है, उसमें थोड़ी सी डाउन पेमेंट आपकी 60-70 हज़ार रुपये के आसपास आ जाएगी और इंटरेस्ट फिर उसमें थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि आप डाउन पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप 50,000 से कम कराना चाहते हो और आपका जो आपके पास अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें आप अपने बैंक अकाउंट में ऑफ़र भी चेक कर सकते हो। अगर उसमें ऑफ़र आ रहा होगा तो ये बाइक आपको 15,000 से 20,000 रुपये में भी देखने को मिल जाएगी। मिनिमम डाउन पेमेंट 15,000 रुपये में भी ले सकते हो, क्योंकि जो बैंक लोन करता है वो टोटल ऑन रोड का, मतलब ऑन रोड जैसे 257,000 है तो मिनिमम इस बाइक की जो डाउन पेमेंट है आप 15,000 रुपये दे के भी इस बाइक को ले सकते हो। तो भाई नियरेस्ट बैंक से भी आप पता कर सकते हो इसकी फाइनेंस ईएमआई का। और अगर आप एचडीएफसी कस्टमर हो तो एचडीएफसी कस्टमर के लिए सबसे इजी रहता है अपनी नेट बैंकिंग ओपन करके उसमें ऑफ़र सेक्शन में जाके प्री अप्रूव लोन चेक करने का। अगर आपके पास 3 लाख तक का प्री अप्रूव लोन आ रहा है तो आप इस बाइक को 10,000 से 15,000 की डाउन पेमेंट पे भी ले सकते हो। तो भाई जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया, इसकी स्पेसिफिकेशंस बताए और ये क्यों अलग है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट भी बताई और प्राइस भी बता दिया। कलर ऑप्शन की बात करूँ तो कलर ऑप्शन में डार्क सीरीज़ में आपको 2 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक आपके सामने खड़ा है और एक इसका दूसरा कलर आता है गन मेटल ग्रे। तो भाई ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।